नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द मैजिकल हांडी में। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन क्लिक कीजिए। अगर आप कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ड मोदक सूजी के। तो उसके लिए हमने 1 कप बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली नहीं है तो नॉर्मल सूजी को आप मिक्सर में ग्राइंड कर लें। और उसी 1 कप से हमने 1/2 कप शक्कर ली है, इसको भी हमने पीस लिया है। फिर उसी 1 कप से हमने 1 कप दूध लिया है। आप 1 कप सेट कर लें, उसी से आप सारे मेजरमेंट ले लें। फिर हमने ये कंडेंस मिल्क लिया है, ये एकदम ऑप्शनल है। अगर आप शक्कर की क्वांटिटी कम करना चाहते हैं तो उस टाइम पे 3-4 चम्मच इसको ऐड कर दें। अगर आप ये ऐड नहीं करते हैं तो फिर जितनी हमने शक्कर ली है 1/2 कटोरी उतनी आप लें। फिर हमने यहाँ 2 चम्मच घी लिया है। अब स्टफिंग के लिए हमने ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें से जो भी आप चाहें तो हटा सकते हैं या और कुछ आपको पसंद हो तो ऐड भी कर सकते हैं। हमने यहाँ काजू, किशमिश, खजूर लिए हैं और बादाम, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे नारियल लिया है। तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक पैन हमने गैस पे गरम होने रख दिया है। गरम होते ही हम अपना ये घी डाल देंगे इसमें और 10 मिनट तक हमें अपनी सूजी को रोस्ट करना है। एकदम इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए उतना तक हमें इसको रोस्ट करना है। चलाते रहिए लगातार और इसको रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए, 5 से 7 मिनट में हमारी सूजी अच्छे से सिक चुकी है। इस टाइम पर अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इसमें टेस्ट के लिए डाल सकते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे करके अपना ये जो हमने दूध निकाल के रखा है ये डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। इसमें लम्स नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए, सूजी में पूरा दूध सोख हो चुका है। इस टाइम पे आप थोड़ा दूध और ऐड कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सूजी में बहुत ज़्यादा पानी आप डालते हैं तो पानी सोख करती है, दूध डालेंगे तो दूध सोख करेगी। अब इसमें हम ये हमारी पिसी हुई शक्कर डाल देते हैं। अभी ये भी मेल्ट होगी तो थोड़ा इसमें और मॉइस्चर आएगा। और इसी टाइम पे आप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं अगर आप यूज कर रहे हैं तो। हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून मिल्क मेड यूज करेंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी हम इसको कवर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसके मोदक बनाएंगे। ये देखिए, सूजी हमारी एकदम ठंडी हो गई है। तो अब इसको हम एक सरफेस, प्लेन सरफेस पे निकाल के थोड़ा सा इसको एक जैसा कर लेंगे। थोड़ा सा ऐसे मैश कर करके हम इसको इवन कर लेना है। ये देखिए, हमने इस मिक्सचर को अच्छे से इवन कर लिया है। अब हम अपनी स्टफिंग रेडी करते हैं। ये जो जितने भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ना, इसको हम मिक्स कर लेंगे, एक साथ मिक्स करके रख लेंगे तो इजी रहेगा हमें स्टफ करने को। ये देखिए, स्टफिंग की हमने छोटी छोटी बॉल्स बना के रख ली हैं, जिससे हमको स्टफ करने में आसानी होगी। यहाँ पे हमने खजूर लिया था और किशमिश ली थी, इसलिए हमने इसमें शक्कर यूज नहीं की है, और खजूर के कारण इसको हमें बाइंड करने में आसानी हुई। अगर आप खजूर और किशमिश यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको स्टफिंग को मीठा करने के लिए आप शक्कर का यूज करें, पिसी हुई शक्कर, और उसको बाइंड करने के लिए ये जो हमने सूजी का मिक्सचर बनाया है थोड़ा सा वो मिला के आप उसको बाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम मोदक बनाते हैं। थोड़ा सा इसका हम पोर्शन लेंगे। अगर आपके पास मोदक बनाने का मोल्ड है फिर तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे मोदक बिना मोल्ड के। इसका ऐसा बॉल बना के थोड़ा सा चपटा कर लें और सरफेस को थोड़ा इवन कर लें। एक छोटा सा ये बॉल यहाँ पे रख के इसको हम वापस से रोल करेंगे। ये देखिए, अब इसको नीचे से थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे दबा दीजिए।
आप चाहें तो इसको प्लेन रख सकते हैं या फिर इसमें आप चम्मच से ऐसे डिजाइन डाल सकते हैं। ऐसे ही हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे मोदक तैयार हैं। इसको हमने थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए पिस्ता लगा दिया है। आप चाहें तो इसकी साइज थोड़ी और छोटी भी कर सकते हैं।